हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियों में लगने वाला इंजन एक ऐसी मशीन है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जहां पे फ्यूल को बड़े ही कंट्रोल्ड तरीके से जलाया जाता है और फ्यूल के जलने से निकलने वाली हीट हवा को एक्सपैंड करके मैकेनिकल फोर्स जनरेट करती है। अब इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इंजन में बहुत सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे रहते हैं और इन सबको जो डिवाइस कंट्रोल करता है उसे ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो बेसिकली एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जो इन सारे प्रोसेसेस को चलाता है। ECU में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी डाला जाता है जिसमें इंजन को चलाने के लिए सारा कोड लिखा रहता है। अब ECU की मेंटेनेंस से रिलेटेड एक बहुत जरूरी टिप आपको बताता हूँ। जब कभी भी आपको गाड़ी पे कोई भी वेल्डिंग ऑपरेशन करवाना हो तो हमेशा बैटरी के दोनों कपलर्स को खोल दें और हो सके तो ECU कपलर्स को भी निकाल दें। ऐसा ना करने से वेल्डिंग के दौरान यूज होने वाले हाई वोल्टेज करंट से ECU डैमेज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और इसे रिप्लेस करवाने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा रहती है।